विदेश में या ओमान हो, है ना, दुबई हो, या कहीं भी गल्फ कंट्री में जाने के लिए आपको कौन सा भाषा का जरूरत है, जरूरत पड़ता है, आप लोग को मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को डिस्कस करूंगा। एक्चुअली कौन कौन सा भाषा इधर ज्यादा चलता है ना, इन द गल्फ कंट्री में। जैसे मैं अभी ओमान मस्कट में हूँ, अभी कौन सा भाषा ज्यादा चलता है आपको पता नहीं है। आप नया आदमी आ रहा है, नहीं आता, नया आने वाला हूँ, है ना, इस आउट ऑफ कंट्री में, है ना, नया आने वाला हूँ। तो इसमें क्या है कि भाषा जरूरत, आपको इंग्लिश होगा तो सबसे अच्छा है ना, सबसे अच्छा है। इंग्लिश रहेगा क्या, इंग्लिश रहेगा तो आपको सबसे अच्छा है, दूसरा लोग को आप टीच कर पाएगा, है ना, समझा सकेगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो ऐसा बोल रहा है ना, आप इच अदर में लैंग्वेज क्या है आपको समझता रहता है, आप समझ सकते हैं, मैं उसको बात समझ सकता हूँ, मेरा बात वो समझ सकता है, या वो जो बोल रहा है मैं समझ सकता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं इधर आया था ना, तो मेरे को पहले पहले बहुत मुश्किल हुआ था इधर नेशनलिटी से, पीपल से, या रशियन पीपल से, है ना, फिलिपिनी पीपल से, उसके बाद आपको लेबलानी से, एंड यहाँ का इधर का नेशनलिटी पीपल से, है ना, ये लोग से प्रॉब्लम था। उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो लोग फटाक से इंग्लिश समझ जाते हैं, वो लोग हम लोग जो बोलते हैं, वो लोग जो बोलता है वो हम लोग इंग्लिश समझ जाते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं रहता। आप हिंदी जानते हैं या तो हिंदी इंडियन लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी जानते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि हिंदी जो है चीज है ना, हिंदी जो वर्ड है ना, इन वर्ल्ड में आपको मोटा मोटी हर कोना में आपको चलता है, चलता है। एंड जितना भी इस गल्फ कंट्री में जितना भी लेबर है ना, इंडिया के अधिकतर है, इंडिया के अधिकतर है, देखिए, एंड बांग्लादेशी मिलता है, पाकिस्तानी मिलता है ना, अधिकतर इधर इस तरह से अधिकतर जो लेबर है सब इस कैटेगरी के, इस कंट्री का आदमी लोग ही मिलता है, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैं इधर देखता हूँ, वही आपको चीज बता रहा हूँ, फैक्ट। मैं अभी ओमान मस्कट में हूँ, है ना, और मस्कट में लैंग्वेज सीखना, हिंदी, जैसे मेरे को हिंदी आता है, बंगला आता है ना, एंड सब आता है, हिंदी बांग्ला इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ, मुश्किल नहीं है, बट काम चला सकता हूँ, है ना। तो इधर आया तो देखा, तो इधर आया तो मैं भी फर्स्ट टाइम मैं सोचा था कि कौन सा भाषा में बात करूँगा, वो लोग मेरा भाषा समझेगा नहीं समझेगा, वो मेरा मैं उन लोग उनका भाषा समझाऊंगा नहीं समझूंगा, ऐसे मेरे को फील हुआ रहा था। बट इधर आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, हिंदी बात समझते हैं सब इंडियन पीपुल है, एंड जिधर भी इधर के जो ओमानी जो नेशनलिटी पीपुल है वो लोग भी हिंदी पिक्चर, हिंदी मूवी सब इधर चलता है, गल्फ कंट्री पे सब सीरियल, CID, CBI जो भी है, इंडियन पिक्चर, इंडियन मूवी, इंडियन सीरियल, इंडियन न्यूज सब देखता है इधर। एक है नीचे में राइटिंग रहा था, बड़ा बड़ा इंडियन पिक्चर भी चलता है इधर, सब इंडियन पिक्चर चलता है इधर, एंड बड़ा बड़ा जितना भी ऑफिसर लोग हैं, बड़ा बड़ा पोस्ट का मैनेजर हो गया, बड़ा बड़ा जो मैनेजर लोग हैं सब पूरे ही इंडियन है, इंडियन है, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड मेरे को तो बांग्ला लैंग्वेज मेरे को मालूम था, तो बांग्ला में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब मैं जो इधर मैं काम करता हूँ तो बांग्ला ही ज़्यादा बोलता है, बंगाली ज़्यादा बोलता है, एंड मैं भी बाहर में जब आया देखा सब बांग्ला बोल रहे हैं,
अरे भाई मैं शौक हो गया, सब इंडियन पीपल है, मैं भी शौक हो गया। पूरा मोहल्ला गांव है भाई, इंडिया है ये, तो इंडिया ही है। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है उसमें, लैंग्वेज में। आप हिंदी भी जानिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर सब इंडियन लोग हैं। लेकिन बट आप जैसे मान के चलो आप रशियन पीपल से बात कर रहे हैं, है ना? इसमें क्या, एक आदमी ट्रांसलेटर रहता है, ट्रांसलेटर रहता है, इंडियन इंडियन हिंदी बोलना जो ट्रांसलेट कर सकता है, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है, वो रहता है। यही है प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम नहीं है बस, और कुछ सब आप लोग आशीर्वाद, सब चीज़ अच्छा है। चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मेरे मुलाकात करता हूँ आप लोग से।